सुभाष चंद्र सोमानी जी हमारे साथ अजमेर से जुड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 200 एबी भी लिए हुए हैं 900 रुपए में 2020 में, तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या पार्शियल प्रॉफिट लेकर जाना? सरवेंद बताइए, ये तो बहुत मोटे मुनाफे बैठे हुए हैं जी। देखिए मैं तो इनको राय दूंगा कि आधे शेयर बेच लें, आधे हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। आई थिंक बहुत ओवरबॉट स्थितियों में स्टॉक फिलहाल चल रहा है, तो डेफिनेटली छोटा करेक्शन इनको मिल सकता है, उसमें चाहिए तो दोबारा री एंटर करना होगा, और बहुत दिन से इसको होल्ड करें तो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आधा मुनाफा इनको यहाँ बांध लेना चाहिए। आधे बेच लीजिए और बाकी पड़े रहने दीजिए, तो फ्री भी हो जाएंगे आपको और आप के लिए एक हेज हो जाएगा कि आपको अगर इस प्राइस में कोई दिक्कत भी होती तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष अग्रवाल जी बंगलुरु से। सुभाष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार सर, मेरे पास सर ये भेल के 2500 शेयर है सर 74 के रेट में, तो जानना चाहता हूँ कि क्या इसका प्रोस्पेक्ट है? आज ही कल में खरीदे हैं क्या? हाँ दो तीन रोज पहले ही लिया सर। दो तीन रोज पहले लिया, हाँ देखो आपके प्राइस के 70 पैसे ऊपर है। सरवन BHEL फायदे में है अभी तो? सुभाष जी देखिए PSU उसमें फ्लेवर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये सब चल रहे हैं, थोड़ा लेट आए हैं ट्रेड में ये, बट मैं कहता हूँ दे रहा है दुरुस्त है, ट्रेड में है, तो अभी एक दो ही दिन में ट्रेड लिया है, तो उसमें बहुत ज्यादा रिव्यू क्या करेंगे। मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए, और स्टॉक इनका टारगेट क्या है वो इनके नजर में रहेगा, लेकिन मैं मेरे को लगता है कि भाई अगर यहाँ से मैं टारगेट लूँ तो मुझे लगता है 88-90 के स्तर आएंगे, तो उसी के हिसाब से फिर मुझे एक सूटेबल स्टॉप लॉस भी इनको सुझाना पड़ेगा, और वहां पे मुझे लगता है कि इनको एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना चाहिए 6940 के नीचे, तो 6940 पे एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से एक 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में इनको 12-15 रुपए कमाने के लिए ऊपर में यहाँ से मिलने चाहिए। तो सुभाष जी स्टॉप लॉस और टारगेट याद रखिएगा, और उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए, क्योंकि अपने आपने हाल फिलहाल में लिया है, तो इसलिए आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों फॉलो करना चाहिए। संतोष कुमार जी हमारे साथ भागलपुर से जुड़ रहे हैं। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैम सर ये पूछना था कि BCM का मैंने 5000 शेयर खरीदा था 88 का, और वो अभी बने रहे या निकल जाए सर, क्योंकि वो डाउन जा रहा है अभी कुछ दिन से। डाउन तो जा रहा है, 11 रुपए नीचे आ गया। सर्वेंद्र DCM है चार्ट पे देखिए जरा जी। जी बिल्कुल है, जो मैं देख पा रहा हूँ वो थॉट यही है कि यहाँ पे आप देखिए स्टॉक लास्ट 21 साल से ऑलमोस्ट 15-17 साल से 140 के ऊपर कभी टिका नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे, ईयरली क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरा थॉट ये है कि फिलहाल तो कंसोलिडेशन फेज में है, एक बार मुझे लगता है कि ये रेंज इसकी अच्छी बनी है, पैटर्न मुझे ओवरऑल बुलिश लग रहे हैं, तो लग रहा है ब्रेकआउट ऊपर का है, बनस्पत के 68 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए, तो जब तक ये 6740 का एक स्टॉप लॉस ले लें, जब तक उसके नीचे बंद नहीं आता, मेरा मानना यह है कि एक बार इनको इनका भाव मिलेगा और मे बी एक 5-7 रुपए ऊपर के भी मिल सकते हैं, तो आई थिंक 95-100 के टारगेट्स मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले 3-6 महीने में दिख सकते हैं, 67.40 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करके रखना है यहाँ पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।